जब हम स्कॉलरशिप का बात करता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है स्कॉलरशिप क्या चीज़ है और हर कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ये पता होता है कि स्कॉलरशिप का भी अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप होता है। और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी एक स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप करके दिया जाता है हर साल को, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे भी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है। ये सब काफ़ी कम लोगों को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% लोगों को ही पता है इस चीज़ को, और वही जो पता है वही इसी चीज़ को अवेल करता है, इसी चीज़ का लाभ उठाता है। और जितना गरीब लोग है, जितना इन्फॉर्मेशन को नहीं मिलता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण से ये जो चीज़ है जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है वो पब्लिक तक नहीं पहुँचता है, और जो इसको लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण से होता है। तो आज के इस वीडियो पे हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ईटानगर की तरफ से जो प्रेस नोटिस जारी किया गया है 25 जून 2024 को, जिस पर कहा गया है कि जो आपका स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप 2024 का अभी शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कौन एलिजिबल है बोलने से, जो रिसेंटली क्लास 8 पास होता है, और उसमें क्लास 8 में वो जो 60% से ज़्यादा या 60% या उससे ज़्यादा परसेंटेज अगर लिया है अपना क्लास 8 में, और अभी वो क्लास 9 पे एडमिशन करके क्लास 9 का क्लासेस उसका चल रहा है बोलने से, तो वो इंसान जो है कि वो स्टूडेंट जो है कि वो भाई बहन जो है कि इस स्कॉलरशिप को एवेल कर सकता है अगर वो इसके लिए एलिजिबल और वो जो जितना क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर पाता है। तो ठीक है, तो बेसिकली इसको लेने के लिए क्या होता है कि इसका स्कॉलरशिप का नाम ही ऐसे है, स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसमें क्या होता है कि एक इंट्रेंस टाइप का दिया जाता है, इंट्रेंस या फिर एक एग्ज़ाम टाइप का दिया जाता है, तो उसमें जो जो सिलेक्टेड लोगों हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है एवरी ईयर। तो उसमें उसका स्कॉलरशिप का अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और बाकी लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, बाकी लोगों को बस अम्ब्रेला स्कीम के बारे में पता है, स्टेट स्टाइपेंड के बारे में पता है, लेकिन स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। और इसको जो कम लोग हैं जो पता है वो भी क्या है कि जो आपका वेल एजुकेटेड वाला लोग ही पता है, और वेल एजुकेटेड वाला लोगों का ही बच्चा जो है कि इस चीज़ का लाभ उठाता है, और बाकी लोग तो पता ही नहीं होता है, और नोटिस वगैरह जारी करने से भी पढ़ने ही नहीं आता है, और काफ़ी सारे लोगों को तो ये सब चीज़ पढ़ने का शौक़ भी नहीं है। और आजकल के ज़माना में यूथ्स भी क्या हो रहा है कि आपका गेमिंग खेलने में और रील्स देखने में पूरा अपना टाइम वेस्ट करता है और ये सब चीज़ देखता ही नहीं, जिसके कारण से इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाता है, और जो अपॉर्चुनिटी आना था, जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलना था, वो भी मिस आउट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप अच्छा से देखो, अच्छा से सुनो, फिर जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से आप जो अपना बच्चा के लिए, अपना भाई बहन के लिए इस इन्फॉर्मेशन को उधर तक पहुंचाओ, उससे भी ट्राई करने दो, एटलीस्ट मिलो ना मिलो वो बात का बात है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करने दो। अगर आप इस आपका भाई बहन या आपका बच्चा जो क्लास 9 में है, तो वो जो क्या हो जाता है कि आप इस स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है अम्ब्रेला स्कीम में, और स्टेट स्टाइपेंड में भी वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका अमाउंट जो है कि कम होता है। ठीक है, तो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप में एक एग्ज़ाम देके अगर वो एग्ज़ाम को पास करके सिलेक्ट हो जाता है, तो उसका स्कॉलरशिप अमाउंट भी ज़्यादा होता है, जिससे आपका जो भाई बहन है, जिससे आपका बच्चा का जो एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें आप जो उसमें सुधार ला सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उसको लेके दे सकते हैं, या आने वाला कल के लिए उसको सेविंग करके रख दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम जो रहेगा आपका 16 नवंबर 2024, जिस पर सैटरडे पड़ता है, और इसके लिए एलिजिबल होता है क्लास 8 पास आउट स्टूडेंट, और उसका 60% या उससे ज़्यादा ऐसे कुछ होना है, और अभी वो जो क्लास 9 पे एडमिशन करके उसका क्लास चल रहा होना चाहिए, और उसका स्कूल से मैटर नहीं करता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट में हो, जो भी हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा, वो लोग ही इसके लिए एलिजिबल रहेगा, और बाकी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर एलिजिबल है बोलने से, तो वो इंसान लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म लेना पड़ेगा, और फॉर्म जो बेसिकली उसको कहाँ से मिलेगा बोलने से, एक प्रेस्क्राइब वाला एक फॉर्मेट है जो उसको लेना है DTSC का ऑफिस से, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो उसका एक जेरोक्स कॉपी वगैरह भी आपको करके रख लेना है, उसके बाद फॉर्म को आप फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जितना है उसके साथ, और आपका काउंटर सिग्नेचर ऑफ आपका जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है उसका काउंटर सिग्नेचर वगैरह भी लेना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद उसको आपको सबमिट करना है डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, तो आपको
DDSC ऑफिस से वो फॉर्मेट या फॉर्म को ले लेना है और उसको फिलअप करके और जितना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और अपना स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल से एक काउंटर सिग्नेचर ले लेना है। उसके बाद फिर उसको आप डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ईटानगर पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट रहेगा 31 अगस्त 2024, यानी कि अभी काफ़ी समय है, इसके अंदर आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद जो जो मतलब एलिजिबल और सिलेक्टेड हो जाएगा उन्हें एडमिट कार्ड दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है कि आपका कंसर्न स्कूल से आपको मिला जाएगा, ठीक है। तो कंसर्न स्कूल से आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो इशू किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको बाद में क्या करना है, नवंबर 16 को आपका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकता है, जैसे कि आपका 2 copies ऑफ रिसेंट पास फोटो साइज फोटोग्राफ, उसके बाद जेरोक्स कॉपी ऑफ क्लास 8 पास मार्कशीट और एनुअल एग्ज़ाम का होना चाहिए, और उसमें आपका हेडमास्टर या प्रिंसिपल का एक अटेस्टेड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, एक इन्वेलप होगा जिसके ऊपर आप अपना एड्रेस वगैरह को लिखना होगा, और जहाँ पे आपको पोस्टेज स्टाम्प ऑफ 25 rupees वगैरह का उसको चिपकाना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह बाद में आपको मिल के फिर 16 नवंबर 2024 को आपका जो एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें आप पास होके एग्ज़ाम को क्लियर करके सिलेक्ट हो जाता है तो आपको ये जो स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप जो है कि मिलेगा, और यहाँ पे अमाउंट भी थोड़ा अच्छा होता है। अगर आपका भाई बहन या आपका कोई बच्चा क्लास एट पास होके अभी 9 में जा रहा है बोलने से, तो आप पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये हर साल को किया जाता है लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता होता है, और ये सिर्फ अमीरों लोगों को ही पता होता है, जो वेल एजुकेटेड है और वेल इस्टेब्लिश है उन लोगों को ही ये इन्फॉर्मेशन पता होता है, और इसका इस अपॉर्चुनिटी वो लोग ही लेके चला जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ पता ही नहीं चलता है। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं और जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है कि हर एक के पास पहुँचे और इस अपॉर्चुनिटी को हर कोई लेने के लिए एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता है, ठीक है। अगर मिलता है तो अच्छा है, और ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है।